हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मिथुन दुदराज के चैनल पे। मैं आज लेके आया हूँ आपको हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह पे, जो कि निजामुद्दीन में स्थित है, जो कि दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है। और आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं आपको बताने वाला हूँ इस दरगाह के बारे में, निजामुद्दीन औलिया साहब के बारे में, वो कहाँ बैठ के इबादत किया करते थे, कहाँ इनकी दरगाह है, और उनकी कौन बहन थी जो उनको लेके खाना लेकर के आया करती थी, कहाँ बैठ के वो ऊपर वाले की इबादत किया करते थे, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। अंदर चल के देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ निजामुद्दीन दरगाह में जो आप खरीद सकते हैं। लॉकेट्स हो गया, यहाँ से बाहर से आप फूल वगैरह ले सकते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। अंदर आप जैसे ही अंदर आते हैं निजामुद्दीन दरगाह के अंदर, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ से देखने के लिए। और बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं फरियाद लेकर के अपने, और सबकी लोगों की मनोकामना पूरी भी होती है यहाँ पे। आप सच्चे दिल से यहाँ पे आते हैं और मनोकामना मांगते हैं अपनी, और आपका मन साफ है, आप सच्चे दिल से फरियाद लेकर के आए हैं, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। और एक और चीज़ भी माना जाता है कि आप अजमेर शरीफ दरगाह जाते हैं तो उससे पहले आपको, सबसे पहले दिल्ली आकर के हजरत निजामुद्दीन में आकर के आपको अपनी हाजिरी देनी बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद ही आप अजमेर शरीफ दरगाह जा कर के अपने हाजिरी लगा सकते हैं। ये माना जाता है कि निजामुद्दीन और आपको मेहरौली वाले दरगाह पे ज़रूर जाना पड़ेगा। पहले यहाँ पे आपको अपनी अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अजमेर शरीफ दरगाह जा सकते हैं, तभी जाके आपकी मनोकामना पूरी होगी। यहाँ इंडिया से, विदेश से बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं यहाँ पे, क्योंकि मान्यता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब हैं जिनकी दरगाह पे आकर के हर किसी की मनोकामना पूरी ज़रूर होती है। और ये सामने देख रहे हैं आप, लाल कलर के धागे लगे हुए हैं, यहाँ पे लोग डोर बांधते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे मनोकामना मांगते हैं अपनी, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी चीज़ ऊपर वाले से मांगना चाहते हैं, वो चीज़ें आकर के लोग यहाँ पे मांगते हैं। मैं काफ़ी समय से यहाँ आता रहता हूँ और मेरी बहुत बार, मैं भी यहाँ पे आके मत्था टेकता रहता हूँ। ये है हजरत निजामुद्दीन साहब की दरगाह, मज़ार है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये दिल्ली में अब रीओपन हो चुका है दरगाह लॉकडाउन के बाद, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिली है। मैं जब भी यहाँ पे आया हूँ तो मुझे बहुत भीड़ देखने को मिली, बहुत खचाखच भीड़ है बाहर, श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ है, बाहर से लेके अंदर तक आप देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी ये रिसेंटली लॉकडाउन के बाद ही खुला है, लॉकडाउन के बाद ही खुला है, और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ आप आ सकते हैं, अपनी फरियाद लेकर के आ सकते हैं ऊपर वाले के द्वारा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिन से देखने को मिलता है। यहाँ पे आइए और अपनी फरियाद लेकर के आइए। और कुछ चीज़ें दिखाता हूँ बाहर के, नाइट का सीन कैसा होता है निजामुद्दीन दरगाह के बाहर। आप जब बाहर आते हैं तो कुछ ऐसे पकवान, आपको अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो ये बेस्ट जगह है आपके लिए आने के, रात के टाइम पे आइएगा। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया लजीजदार आपको चीज़ें खाने को मिलेगी यहाँ पे रात के टाइम पे। रात में आइएगा ज़रूर, क्योंकि सुबह के टाइम पे ये मार्केट पूरी खुली हुई नहीं होती है, रात के टाइम पे काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे, लोगों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी कोविड के बाद जस्ट अभी ओपन ही हुआ है, तो आप देख सकते हैं चारों तरफ नॉनवेज का, आपके मुंह में पानी आ जाएगा यहाँ देख करके, काफ़ी बढ़िया है। और ये बिरयानी वाले भैया हैं बहुत फेमस हैं यहाँ पे, यहाँ पे बहुत अच्छी बिरयानी देते हैं, हैदराबादी मुरादाबादी बिरयानी आपको इनके पास खाने को मिलेगी यहाँ पे, और 200 रुपये प्लेट, जस्ट 200 रुपये प्लेट बिरयानी है, बहुत बढ़िया, जफर आलम इनका नाम है, बहुत बढ़िया बिरयानी बनाते हैं यहाँ पे, और ये बहुत फेमस भी हैं यहाँ पे। मैं कई बार आके खा चुका हूँ इनसे बिरयानी, 200 रुपये प्लेट आप ले सकते हैं इनसे, चिकन बिरयानी हैदराबादी मुरादाबादी सब बिरयानी आपको यहाँ से मिलेगी खाने को, बहुत ही बढ़िया बिरयानी बनाते हैं और बहुत ही बढ़िया टेस्ट। आप ये देखिए, अभी ये तो पहले की बनी हुई है, अभी यहाँ पे ये जो लाइव बना रहे हैं, अभी बन रहा है इनका बिरयानी, ये देख सकते हैं आप, अभी जस्ट बन रहा है, बन ही रहा है इनका, तो काफ़ी अच्छी इसमें खुशबू आ रही थी मेरे को, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी खाने में, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत बढ़िया बिरयानी बनाते हैं यहाँ पे।
और चारों तरफ नॉनवेज ही नॉनवेज रहता है, क्योंकि यहाँ निजामुद्दीन में बहुत ही बढ़िया बढ़िया पकवान यहाँ पे खाने को मिलेंगे। ये हम आ चुके हैं चिला, इसे बोलते हैं चिला। हेलो दोस्तों, हम आए हैं चिला में, जो कि ये बहुत ही पाक जगह है जहाँ पे औलिया साहब आके अपनी इबादत किया करते थे, और यहाँ चिड़िया कौओं को वो दाना पानी खिलाया करते थे। ये बहुत ही पाक जगह है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं और आगे भी, तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊं, और मैं आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैं नेक्स्ट वीडियो मेहरौली वाले दरगाह और बीवी फातिमा, जो कि औलिया साहब की बहन थी जिन्हें वो बहुत बहन मानते थे अपने, और वो उनके लिए खाना ले करके आया करती थी जब वो यहाँ पे इबादत किया करते थे, यहाँ ऊपर बैठ के ऊपर वाले की इबादत किया करते थे जब औलिया साहब यहाँ पे, तो उनकी बहन उनके लिए खाना बना करके आया करती थी यहाँ पे, बीवी फातिमा। अब अगर आप चाहते हैं उनके मज़ार की, जहाँ पे वो उनकी मज़ार है, और मेहरौली वाले दरगाह जिसके बिना, जहाँ हाजिरी लगाए बिना आप अजमेर शरीफ दरगाह नहीं जा सकते, तो आप चाहते हैं कि मैं उसको भी कवर करूं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को शेयर करें। यहाँ से मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, जहाँ पर ऊपर छत पे बैठ के निजामुद्दीन औलिया साहब इबादत किया करते थे, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। ये पीछे से गेट वगैरह है जो बंद कर रखा है, जिसकी वजह से वो ऊपर चढ़ के यहाँ से जाना पड़ता है, इसकी वजह से मैं अभी ऊपर चढ़ के चढ़ा हूँ। अब ये देखिए, ये है कुछ नज़ारा। यहाँ पे एक छत हुआ करती, जैसे जब बाबा जी ने मुझे बताया है, छत हुआ करती थी यहाँ पे, जो कि टूट चुकी है, और ये दीवार से मैं ऊपर चढ़ के आया हूँ। काफ़ी कठिन है ऊपर चढ़ना, बहुत मुश्किल है ऊपर से, वो थोड़ा फ़ोन पकड़ने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, वीडियो बनाने में बहुत डिफ़िकल्ट है ऊपर चढ़ना। बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पर पे, वो जो इमली का पेड़ बोल रहे थे उस तरफ था वो। हेलो दोस्तों, मैं आया हूँ चिल्ले में। यहाँ पे एक बाबा हैं जो कि 70-80 साल से यहीं पे ही हैं, और ऊपर वाले की इबादत कर रहे हैं। ये कुछ यहाँ के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में, वो कुछ बताएंगे आपको। हाँ जी बाबा जी, आप अपना नाम और कुछ हज़रत निज़ामुद्दीन साहब जो हैं उनके बारे में कुछ बताइए। तो देखो, इसे बता रहे हैं, ये जो देख रहे हो सारे चिल्ला शरीफ है, खानका चिल्ला शरीफ कहते हैं। हाँ जी। हाँ, तो भीतर का जो हिस्सा है, हाँ जी, खंडर जैसा, हाँ जी, वो मेन चिल्ला है। अच्छा। और ये जो सामने देख रहे हो ये खानका है। ओके। हाँ, ये खानका है। तो हजरत के ज़माने में इस जगह बहुत बड़ा इमली का पेड़ था। ओके। और हजरत इसी पेड़ के नीचे चिड़िया पंछी को अपना खाना रोटी पानी खिला दिया करते थे। कब खाते थे किसी को पता नहीं। तो उनकी एक मुरीद था जियाउद्दीन वकील, बादशाह के लोग थे और सरकार के मुरीद थे। तो उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि सरकार यहाँ आपका एक खानका बनाएंगे। तो हजरत ने कहा, जो देखो जो यहाँ खानका बनाएगा दुनिया में नहीं रहेगा, चंद दिन में चल बसेगा। मतलब सरकार एक दिन तो सबको जाना है दुनिया से, आप मेरे पीर हैं, बुजुर्ग हैं, आपका एक यादगार मैं बना के रहूँगा। तब औलिया साहब ने बोला जैसी मर्जी आपका, हुक्म दे दिया। तो फिर उन्होंने 30 दिन में बना के तैयारी किया। 30 दिन का बाद इसमें समा महफिल हुआ, अल्लाह रसूल का जिक्र हुआ। उसी जिक्र के अंदर उनको हाल आया, जियाउद्दीन वकील को उनका रूप बनवा दिया, महबूब इलाही का बोल है। तो इसीलिए उसकी एक मकबरा सामने रखा गया, जियाउद्दीन वकील। तो ये जो बात हम बताया, इसके अंदर से आज से 30 साल आगे एक किताब मिला था,
40 साल आगे, वो उर्दू किताब में इतना बात लिखा हुआ था और लिखा हुआ बात मैंने बताया। तो ये किताब फिर इन लोग मांगा पढ़ने के लिए, तो हमने दिया, फिर हमको वापस नहीं किया। तो नहीं किया, लोग बोले फलाना पीर साहब ने किया, किताब दिया नहीं। हम बोले अब क्या, हम किससे मांगने जाएं, छोड़ो, जितना हमको समझ में आया था उतना बात किताबी बात आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आप लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें ऐसी जानी जो कि आज तक किसी ने नहीं बताया आपको। बहुत ऐसे ऐसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब के बारे में सबको पता है, हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह है, किसी को ये नहीं पता कि वो यहाँ करके इबादत किया करते थे। और जो दो कमरा नीचे में है, हाँ जी हाँ जी, वो अभी एक बिजली घर बन गया और एक जो है सब अपना दखल करके इबादत गाह को आरामगाह बना रखे, पीरी मुरीदी का सिलसिला चला रखे, समझे कि यही है निज़ाम। ठीक है, देखिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी अभी बाबा से जानने को मिली। बाबा क्योंकि 70-80 साल से यहीं पे हैं, ऊपर वाले की इबादत कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत लोगों की सेवा कर रहे हैं, यहाँ बैठ करके ये चिड़िया विड़िया को ये खाना खिलाते हैं। मैंने कई बार इन्हें देखा है यहाँ पे, कुत्ता बिल्ली बहुत ढेर सारी कुत्ता बिल्ली भी हैं यहाँ, उनको ये रोज़ कुछ ना कुछ खाना खिलाते रहते हैं। यहाँ पुण्य का काम कर रहे हैं ये बहुत सारी, मैं हमेशा देखता रहता हूँ, कई बार मैं यहाँ आया हूँ दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आ करके। और मैंने आज मैं चाहता था कि यहाँ के बारे में आप लोगों को पता चले, जो कि मैंने बाबा को जितना ज्ञान था उन्होंने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में बने रहने के लिए मिथुन दूतराज के साथ, थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और इस लोकेशन के बारे में बताइए जहाँ पे आ करके आप ये देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।